इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप कुछ तरीके से दिखाई देता है पे बाय एंटरिंग यूपीआई आईडी, ठीक है, और नीचे यहाँ पर लिखा हुआ आता है वीपीए, तो ये वीपीए रहता क्या है और इसको मतलब अगर हम भरते हैं कुछ भी तो इसका मीनिंग होता क्या है और कैसे इसको सेटअप कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये मैं जो है पे कर रहा हूँ यहाँ पर, जो कि है हमारा, जो कि मैं पे कर रहा हूँ यहाँ पर पोस्टपेड को, ठीक है, पेटीएम पोस्टपेड को। तो लाइक उसमें करंट जो आउटस्टैंडिंग है वो पे कर रहा हूँ, उसे पे पर टिक करता हूँ और यहाँ पर पे पर क्लिक करता हूँ। पे पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं, एक यूपीआई का आता है, यूपीआई पर भी सेट कर देते हैं और यहाँ पर पे एंटरिंग यूपीआई आईडी यहाँ पर आपको दिखाई देती है। अब यहाँ पर वीपीए होता क्या है, ये देखिए, वीपीए बेसिकली वेरीफाई करने के लिए होता है। अब हमें क्या कैसे चेक करना पड़ेगा कि हमारा वीपीए क्या है, ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा और वीपीए बताऊंगा कि भी ये होता क्या है। हम अपने पेटीएम की प्रोफाइल पर जाएंगे, जो एक्चुअल में आईडी होगी या जिससे आपने पोस्टपेड स्टार्ट किया होगा, ठीक है, जो भी पोस्टपेड स्टार्ट किया होगा वो आपकी वीपीए रहती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जब आप प्रोफाइल को खोलेंगे ना तो आपको वीपीए आईडी दिख जाएगी, तो यहाँ पर ये रहती है, यहाँ पर जब यहाँ पर देख रहे हैं यूपीआई, इसके बराबर में ये आईडी रहती है, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, उसके बाद आपको पोस्टपेड पर दोबारा जाना पड़ेगा और इसको पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब आपको पता चल गया होगा कि वीपीए होता क्या है, ठीक है। यहाँ पर जो हमारी मतलब बेसिकली जो हमारी ऑफिशियल आईडी होती है जिससे हमारा अकाउंट बना होता है वो आईडी होती है। अब अदर यूपीआई से उसको पे करना चाहते हैं तो इस तरीके से होगा। देखिए, मैं गाइस बता देता हूँ कैसे रहता है वो, यहाँ पर वेरीफाई करते हैं तो यहाँ पर वेरीफाई हो जाता है, ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पर गलत डाला। अब यहाँ पर वेरीफाई करके आप जो है दूसरा अपना कोई भी यूपीआई आईडी डाल सकते हैं, चाहे पेटीएम का हो चाहे किसी भी चीज़ का हो, वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। यहाँ पर अगर आप पेटीएम से ही रन करते हैं तो यहाँ पर सिर्फ आपको ये ही डालना पड़ेगा। तो ये प्रोसेस रहता है इसका सिंपल सा। यहाँ पर आपको समझ में आया होगा कि ये रहता क्या है। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।